आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक नोटिस जारी किया है, एक अधिसूचना जारी की है। आपको ये बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई यूनिवर्सिटीज़ कई तरह के नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। इसके लिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें NTA ने लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाया गया है कोरोना COVID-19 को ध्यान में रख के। किन किन परीक्षाओं, किन किन एग्ज़ाम के डेट्स बढ़े हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के, मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके आखिरी तारीख थी 15 मई 2020, इसकी आखिरी तारीख ऑनलाइन एप्लीकेशन की बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करना था उसकी भी अंतिम तिथि आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 मई से 31 मई 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो साल में दो बार होता है, जिससे आप लेक्चरर बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो अगर आप PG हैं तो, इसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 31 मई 2020 कर दी गई है। ज्वाइंट CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो साइंस से रिलेटेड पेपर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है लेक्चररशिप के लिए या फेलोशिप के लिए, उसके भी अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है। तो इन चार नेशनल लेवल के अगर टेस्ट के लिए आप अप्लाई करना चुक गए हैं, आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप 31 मई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप क्लिक कर सारी जानकारी को देख सकते हैं और इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।